फ्रेंडों का और आप देखते हैं लर्निंग फॉर हेल्थ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ सीएस 501 का करंट पेपर। ठीक है, आपको पता है जो करंट पेपर होते हैं उसमें से सवाल मोस्टली रिपीटेड आते हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें आपका फायदा होने वाला है। तो इसमें जो कंपेरिंग था यूनिवर्स इम्प्लीमेंटेशन थी फाल्कन ए विद दैट ऑफ एसआरसी रिजल्ट इन द फॉलोइंग डिफरेंसेस। ठीक है, ये 3 मार्क्स का सवाल था। पेज नंबर इसका जो आंसर है वो 145 पे मौजूद है। तो ये मैंने सारे ढूंढ के रखे हुए हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल था ये आपने देख लेना है पूरा टॉपिक। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपका यही वाला सवाल आपका रिपीट हो जाए अलग रहे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा सवाल था वो ये था कि 3 टाइप्स ऑफ मशीन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ठीक है, ISA का, तो इसकी हमने बतानी थी, इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 30 पे मौजूद है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ये मशीन है एक्युमुलेटर बेस्ड मशीन है, स्टैक बेस्ड मशीन है और जनरल पर्पज रजिस्टर है। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी आप देख लेना। उसके बाद एक और है 2 लेवल ऑफ मोटोरोला MC6800 एंड डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी आपने देख लेना है। उसके बाद 3 पॉसिबल सोर्स माइक्रो पीसी की आपने बतानी है जो कि लोड हो सकती हैं। ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, सिर्फ 3 बतानी है, थोड़ी थोड़ी सी इसके बारे में ब्रीफली आपने बताना है। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 206 पे मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, इसमें से आपने 3 को डिस्क्राइब करना था। ठीक है, 3 के बारे में बताना था थोड़ा थोड़ा करके, तो ये 5 नंबर का सवाल है, आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला सवाल है वो ये इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई थी जेड इक्वल टू 4 A+B-16 C+58, इसका हमने 0 एड्रेस और 3 एड्रेस बताना था। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 36 पे मौजूद है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी आप लाजमी तौर पर कर लेना। ये वाली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है। अब इसमें हमने 0 और 3 एड्रेस बताना, ये 0 एड्रेस हो गया और ये 3 एड्रेस हो गया, इसके बारे में हमने बताना था इसका। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी 5 नंबर का है, तो ये जो लाजमी आपने कर लेने हैं अलग रहेगा इंशाल्लाह, आपका कोई ना कोई सवाल इसमें से रिपीट होगा। और मजीद अगर किसी और के पास भी पेपर हो तो वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।